हैं? चल बैठ जा अच्छे से। फैन वैन सारे ऑफ हैं कि नहीं है? हाँ तो मुझे डायरेक्शन हल्का से सारा करते रहना अगर मैं बाहर जा रहा हूँ उससे, मैं मोस्टली भाग जाता हूँ ना, चक्कर ही रहता है ना। चले तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फोर्थ की, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत बढ़िया, कार्बन एवं उसके हाँ, तो पार्ट फोर होगा हमारा जिसका नाम होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में खास करके हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं अकॉर्डिंग बाई 2023 से लेकर 24 का जो सिलेबस है ना, उसमें जो खास करके देखा जाए CBSE बोर्ड ने जो सिलेबस रखा हुआ है कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो वो ये टॉपिक रहे हुए हैं, ठीक है ना। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? ये हैं जो हमें CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग कवर करने हैं, और यही आपके इन टॉपिक के अलावा कुछ आना भी नहीं है। जो भी आएगा वो इन टॉपिक के अंदर से ही आएगा, और इसको बाकायदा क्लियरली हम कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया हमें यहाँ पढ़ना क्या है, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, यानी कि कार्बन यौगिक है, यानी कि कार्बन परमाणु क्या करता है, और भी अन्य परमाणु के साथ क्या करता है, अपना यौगिक बनाता है, और यौगिक बनाकर क्या करता है, कैसे बनाता है, वो सहसंयोजी आबंध के द्वारा यौगिक बनाता है। आखिरकार क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। उसका सेकेंड वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें पॉइंट जो हमारा है सेकेंड वाला, वो क्या कह रहा है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसका मतलब ये है कि हमारे इस पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यौगिक हैं, क्या हैं, जितने भी यौगिक यानी पदार्थ हैं, 90% यौगिक किससे बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। पृथ्वी में ही नहीं ऐसा, देखिए सुनिए, कार्बन आखिरकार देखो सूर्य, ब्रह्मांड और खास करके पृथ्वी, क्या पृथ्वी, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन मौजूद है, क्या है, कार्बन मौजूद है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कार्बन से पृथ्वी पे ही मौजूद है, ब्रह्मांड में भी है, सूर्य में भी है, और हम में खासकर पृथ्वी में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन में पाया जाने मतलब पृथ्वी पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी कार्बन की मात्रा होती है। हम देखें कार्बोहाइड्रेट सुना है आप लोगों ने, वसा सुना है, प्रोटीन सुना है, इसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो कार्बन की सर्वतोमुखी का मतलब ये हुआ कि हर जगह कार्बन क्यों होता है, तो इसका मेन कारण क्या है कि कार्बन के अंतिम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैसे यौगिक बनाते हैं, किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या सिस्टम है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब इस पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पॉइंट समझ लीजिए आप। उसके बाद है समरूप श्रेणी। क्या है, समरूप श्रेणी, यानी कि ये वो श्रेणी होती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध हो, दो आबंध हो या त्रि आबंध हो, इसके अकॉर्डिंग एक कार्बन की श्रेणी बनती है। क्या बनती है, कार्बन की श्रेणी बनती है, इसे हम समरूप श्रेणी कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह, यहाँ पे हम इस चैप्टर में खास करके हमें इन समूहों के बारे में, जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं ना, उनके बारे में भी पढ़ना है। अब ये प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, सबसे पहले समझिए, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन। ये सारे के सारे कैसे समूह हैं, प्रकार्यात्मक, कैसे हैं, प्रकार्यात्मक हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से हैलोजन में, कि हैलोजन के अंदर कौन कौन से कह सकते हैं ग्रुप आते हैं, इसमें अनुलग्न होता है या फिर पूर्व लग्न लगाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एल्कोहल, अब एल्कोहल को तो हर कोई जानता है, एल्कोहल, ठीक है, ज़्यादातर शराब वगैरह में और टिंचर आयोडीन में, कफ सीरप वगैरह में इसका यूज़ होता है ज़्यादातर, वो भी देख लेंगे हम एल्कोहल के बारे में। कीटोन ग्रुप के बारे में देखेंगे, फिर हम एल्डिहाइड और एल्केन, इसके बाद एल्कीन और एल्काइन, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एल्केन में एक आबंध, एल्कीन में दो आबंध और एल्काइन में त्रि आबंध होते हैं, तो इनके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बाद में पॉइंट आता है हमारा पाँच नंबर का अकॉर्डिंग बाई CBSE बोर्ड के, क्योंकि उन्होंने ही पॉइंट दिए हुए हैं और ये हमें पॉइंट डिस्कस भी करना है चैप्टर में, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों में अंतर क्या है। संतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, इनके बीच में क्या करना है, हमें अंतर बताना है। संतृप्त यौगिक मैंने बताया था, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक आबंध होगा, और असंतृप्त जिसमें दो या फिर तीन आबंध होंगे वो असंतृप्त कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी हमें पॉइंट डिस्कस करना होगा, और इसमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनती है इसकी, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। बाद में सिक्स पॉइंट पे क्या आ रहा है हमारे पास, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसमें हम दहन प्रक्रिया को समझेंगे,
उपचयन, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, है ना, जिसमें एक यौगिक क्या करता है, दूसरे यौगिक से उसके अणु को अलग कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। यानी एक अभिकारक जो ताकतवर अभिकारक होता है वो कमजोर अभिकारक में क्या करता है, छीन लेगा और अपना क्या कर देता है, उसको अन्य दूसरे कमजोर परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसे किया था उन लोगों ने, ठीक है। तो उसी तरीके से है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा हल्का सा चेंजेस आएगा प्रतिस्थापन में। इसमें क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन के अणु को हटाया जाएगा और क्लोरीन को जोड़ा जाएगा, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हम कार्बन के तरीके से समझेंगे। दहन प्रक्रिया का मतलब होता है जलाना, लकड़ी आप जलाते हैं ना, तो जब हम लकड़ी जला रहे होते हैं तो आप सब जानते हैं कि लकड़ी के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही होती है जब जलती है, और प्रकाश भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में धुआं भी निकल रहा होता है। तो उसमें कार्बन होता है कि नहीं होता, कार्बन की मात्रा होती कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एक पॉइंट हम यहाँ देख लेंगे। सेवन पॉइंट में आप देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, एथेनोइक अम्ल के बारे में और एथेनॉल के बारे में और उनके गुणधर्म और उनके उपयोग के बारे में बात करनी है। आखिरकार एथेनोइक अम्ल की गुणधर्म और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एथेनॉल का गुणधर्म क्या है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसा अभी मैंने अभी हाल में बताया था, जो है अल्कोहल को ही, एथेनॉल को ही हम अल्कोहल भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, टिंचर आयोडीन में करते हैं, कफ सिरप में करते हैं, है ना, शराब वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो वो भी हम इनका उपयोग और उनके गुणधर्म भी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में पॉइंट हमारा जो आठवां है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा है साबुन और डिटर्जेंट के बारे में। हम लोग देखते हैं कि आज हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसे बड़ी मेहनत से क्या करना होता है, धुलना होता है। कभी कभी तो पटक के देखो कपड़े लिया और धोबी पछाड़ मारना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने ज़ोर से आप कपड़े को पीटते हैं उतने ही ज़ोर से उसमें लगा हुआ मिसाइल अलग होता है। अब ये मिसाइल प्रक्रिया क्या है ये भी हम करेंगे आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मिसाइल वगैरह बनता है जो वही पढ़ेंगे। अब उसमें देख लेंगे हम लोग भैया कौन से में जल रागी है, कौन सा पॉइंट जल विरागी है, ये वाले पॉइंट भी जब हम करेंगे किसमें, डिटर्जेंट और साबुन वाले में, तब इसमें देखेंगे कपड़ा किस तरीके से साफ हो जाता है, मैल कैसे बाहर निकल जाता है और कपड़ा किस प्रकार से एकदम चमकदार हो जाता है, है ना। तो उस तरीके से हम साबुन में और डिटर्जेंट में भी देखेंगे। और साबुन से ज़्यादा डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे से साफ होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, होता है कि नहीं होता भाई। अगर हम साबुन यूज़ कर रहे हैं और एक जगह जो कह सकते हैं ये वाला पाउडर डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो पता है दोनों में से कौन सा साफ करेगा ज़्यादा कपड़ा, तो भैया जो डिटर्जेंट है ये सबसे ज़्यादा कपड़े साफ करता है। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में कार्बन कहीं ना कहीं तरीके से कई तरीके से इस्तेमाल होता है, पर हम जानते ही नहीं है। क्या हम जानते हैं, नहीं जानते। हम जो खाना खा रहे होते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा है, ये मेरे पास पेन है इसमें भी कार्बन की मात्रा है, हम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा है, हम लोग जो किताब और जो कॉपी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कार्बन है, आस पास जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली क्या है उनमें कार्बन है। और वो इसलिए है क्योंकि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। क्या होती है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है, इस वजह से कार्बन हर जगह पर उपस्थित होता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो ये तो पॉइंट हमारे हो जाएंगे कौन से जो एज ए सिलेबस है। तो अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा समझ लें कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन का जो सिंबल होता है ना, किसका, कार्बन का जो सिंबल है पता है क्या है, वो है सी। और कार्बन जो है, कार्बन में परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु जो है परमाणु संख्या होती है 6। और अगर इस परमाणु की जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन कार्बन के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप अगर विन्यास की बात आ जाए तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या इसका 2 और 4, क्या है 2 और 4 है। अब 2 और 4 क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ आपको यहाँ पे देखें इसमें हम कक्ष बनाते हैं, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष,
हमें खास करके टेंथ क्लास में मोस्टली तीन कक्षों के बारे में बात करनी है, वहाँ चौथा पाँचवा कक्षा में कहाँ मिलता है, जब हम ग्रेजुएशन वगैरह या ट्वेल्थ वगैरह में पहुँचते हैं तब ये मिलता है। हमारे लिए हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, टेंथ लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल तक ही हम लोग सीमित रहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसमें कक्षों में कितनी संख्याएँ होंगी, पहले में, पहले वाले में कितने लोग, मतलब कितने अणुओं को रखा जाएगा परमाणु को, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हम ये देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का नाम क्या है, सूत्र। क्या है ये जो सूत्र है, इस सूत्र का जो नाम है वो है 2n2। क्या है n, क्या है n, है कक्षाओं, क्या है कक्षाओं की संख्या, क्या है n है हमारी कक्षाओं की संख्या। अब मान लीजिए पहली कक्षा है तो n कितना हो जाएगा, पहला भाई, पहली कक्षा में आएंगे तो n कितना हमारा पहला आएगा। तो अगर हम n में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n2। तो 2 1 की जगह लगाएंगे, n की जगह लगाएंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा 2। तो मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप, 2। इसी प्रकार दूसरे में कितना आएगा, 8। तीसरे में कितना आएगा, उसके बाद में 16 आ जाएगा, 18 आएगा, कितना आएगा 18 है, देन उसके बाद में कितना आ जाएगा 32, चौथे में कितना आता है 32 आ जाएगा। अब ये कैसे आया है, आपको इसके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करना है, बना के देखना है एक बार, उसके बाद में जितने भी कक्षे वो निकालने हैं खुद से ही, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का लिए काम है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता दूँ, इसी में अगर बताऊँ आप देखेंगे जरा यहाँ पे, एक मिनट चलो सुनो, यहाँ पे देख लें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मुझे तैयार करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे विन्यास कितना है, 2n4 है, तो पहले में कितने आ रहे हैं, 2। दूसरे में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो पहले में तो 2 आ जाएंगे कार्बन के, कितने आ जाएंगे, 2। दूसरे में कितना आएगा, 8 आना चाहिए था, लेकिन बचा कितना उसके पास, 4 ही तो बचा, टोटल कितने उसके पास, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग पहले एक कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे में आ जाएंगे 4, जबकि कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, 8। अब कंडीशन क्या है, अब इस 4 है, इस 4 को और लाने के लिए, पूरा 8 कंप्लीट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 4 कहीं और से लाने पड़ेंगे। अब कोई भी परमाणु अपना 4 इलेक्ट्रॉन एकदम देगा तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग सहसंयोजी बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, मतलब पार्टनरशिप करते हैं कार्बन के साथ, किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और इसलिए फिर क्या बनाते हैं, वो कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। और यही वजह है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, और यही कार्बन की क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना अगर बनानी है तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी उसकी तैयार कर सकते हैं कक्ष के अनुसार। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा, अब कार्बन क्या करता है, ये वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना आपके, कार्बन करता क्या समझिए अब जरा, कार्बन में जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन के जो यौगिक हैं, यौगिक ये जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, संतृप्त, कैसे संतृप्त और असंतृप्त, दो प्रकार से बनते हैं, असंतृप्त। तो दो प्रकार से कार्बन के यौगिक बनते हैं, एक बनता है क्या, संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होगा, लेकिन असंतृप्त में क्या होगा पता है आपको, असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में 2 या फिर कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे, याद रहेगा। जब भी कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाता है आपसे पूछता, बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, क्या होता है, एकल आबंध हो सकता है, मतलब होता है या फिर एक आबंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर वहीं आ जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, कार्बन कार्बन के बीच में द्वियाबंध अर्थात अथवा त्रियाबंध हो तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कोई दिक्कत। वहीं पे हाइड्रोकार्बन तो हो गए यहाँ पे, मतलब कार्बन यौगिक हो गए, पर कार्बन यौगिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है ग्रुप की, जिसमें हम एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्कीन और आता है एल्काइन। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा,
इस तरीके से तीन तरीके से कार्बन के हाइड्रोकार्बन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन के यौगिक बनते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। एल्केन की अगर मैं बात करूं तो एल्केन में फॉर्मूला जो आता है, एल्केन का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? मैंने बताया CnH2n प्लस का 1, क्या आएगा? CnH2n प्लस का 1 आएगा। वहीं पे एल्कीन में क्या आएगा फॉर्मूला? CnH2n। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके का ये हमें एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हम बता रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने बताया था आपको प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। प्रकार्यात्मक समूह में खास करके अगर हम बात करें, देखिए हैलोजन होता है, क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन में क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। क्या होता है? पूर्व लग्न होता है, मतलब कोई भी चीज़ आएगी उसको हम पहले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहले बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मान लीजिए हमारे पास में एथेन है या मैथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर मान लीजिए बाद में हमारे पास आता है ब्रोमो, क्या आता है? ब्रोमो, तो हम बोलते हैं ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो आपका कह सकते हैं एल्केन, इस तरीके से लगाएंगे आप। ये होता है पूर्व लग्न जो पहले आता है। अगर ब्रोमो की जगह क्लोरीन आ जाता है, क्या आता है? क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन की जगह क्या करें? क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन आएगा। अगर हैलोजन के अलावा अगर और भी कोई ग्रुप आता है, हैलोजन को हटा दी जाए तो एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये करवाया ना मैंने, तो जो एल्कोहल वाले में उसमें क्या आएगा? बाद में आएगा। क्या आएगा? बाद में आएगा, जैसे कि एथेनॉल, हेक्सेनॉल, मैथेनॉल, पेंटेनॉल, ये आएगा किसमें? एल्कोहल में। एल्कोहल में बाद में ऑल आ रहा है ना, बाद में लग रहे हैं वो, जबकि हैलोजन पहले ही लगा रहा था। तो वही पॉइंट अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट वाले में काम करेंगे उसे, लेकिन अभी हमने जो करवाया है इसे आपको नोट करना है और इसे याद भी करना है। क्या करना है? इसे याद भी करना है। ये समझ लो हमारा क्या है? पार्ट टू, पार्ट वन है ये। क्या है? ये पार्ट वन है, ठीक है, और इस टू के चक्कर में इसमें टू हुआ है, ये नालायक जो है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? हम बोलेंगे ये हमारा है पार्ट वन है, और जब हमारा पार्ट टू आएगा, क्या आएगा? पार्ट टू आएगा, उस पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे? कार्बन के प्रकार्यात्मक समूह पर चर्चा करेंगे, जो प्रकार्यात्मक समूह हैं, फिर उन समूह के अकॉर्डिंग जो कार्बनिक यौगिक हैं जिसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती हैं, क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं, जैसे मैं हल्की सी एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एथेनोइक अम्ल है, क्या है? या एथेनोइक अम्ल है या एथेनॉल है, कुछ भी आप ले सकते हैं, या मैं एक प्रकार एक नॉर्मल से चीज़ ले लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह की जगह पर, मैंने ले लिया एथेनॉल। क्या ले लिया? एथेनॉल। तो ये एथेनॉल प्रकार्यात्मक समूह में आ जाएगा, लेकिन मैं अगर इससे रिलेटेड बात करूँ, किससे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके एक एक फॉर्मूला ले लेता हूँ बस, ठीक है, इनके एक फॉर्मूला ले लीजिए, प्रकार्यात्मक समूह के बाद में ले लेंगे, इनके ले लो आप। एल्केन का फॉर्मूला लिया तो एल्केन में मैंने बताया कि हमारे पास में, सुनिए, हमारे पास में क्या आएगा? जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें करना कैसे है समझे, पूरे क्रम से करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 में क्या आएगा? इसको बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं? मैथेन। फिर आता है हमारे पास एथेन, तो मैथेन एथेन हो गया। फिर आता है क्या? मैथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन। फिर आता है हमारे पास ब्यूटेन, फिर आता है पेंटेन, क्या आता है? पेंटेन। लास्ट में आता है हमारे पास हेक्सेन, क्या आता है? हेक्सेन। तो देखिएगा हमारे पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन है, क्लियर। तो इसमें आएगा क्या फॉर्मूला, देखिएगा, अगर मैं मेथेन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? फॉर्मूला देखें, मेथेन याद कैसे करना है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से। मेथेन कितने नंबर पे हैं? पहले नंबर पे हैं, तो मतलब n कितना हो गया? 1 हो गया। n कितना हो गया? 1। n हो गया 1। तो आप बताइए, n अगर मैं 1 रखूंगा तो C 1 हो जाएगा, और H की जगह H रखूंगा मैं यहाँ पे, 2 की जगह 2 रखूंगा, n की जगह फिर 1 रखूंगा, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 है। क्या है ये? 2। ये हमारे पास 2 है, वो 1 नहीं है, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, 2 आएगा यहाँ पे, तो ये इसमें मैंने 2 रख दिया। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या बना, C तो बने तो C की जगह C रख देंगे, H देखो H 2, ये 2 बन जाए 2 आ जाएगा, और 2 2 और 2 कितना हो जाता है? 4। CH4 बन गया। मेथेन का क्या बन गया? CH4 बन गया।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसी के बेस पे, क्योंकि क्या है मैथेन एन वाला फॉर्मूला रहा ना एन, तो एल्केन एल्केन अगर ये मैथिन होता तो ये वाला फॉर्मूला लगते, मैथाइन होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अगर एल्केन है मैथेन है तो एल्केन का, अगर मैथिन होता तो एल्किन का, मैथाइन होता तो एल्काइन का, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमें फॉर्मूला इस वाले सारे के सारे किस फॉर्मूले से निकालने हैं, इस फॉर्मूले से निकालने हैं। तो मैथेन मैंने निकाल दिया ऐसे। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाऊँ, किसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाऊँ, तो कैसी बनेगी मेरी इलेक्ट्रॉनिक संरचना? सी लगाऊंगा मैं, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने इसमें, हाइड्रोजन है चार, तो चार जगह में चार दिशा में कार्बन से लगा दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन गई, ठीक है। और ये कैसी है हमें पता है, ये संतृप्त है। एल्किन किस में आता है, संतृप्त में आते हैं। एल्किन किस ग्रुप में आता है, संतृप्त में है। एल्किन एल्काइन किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये वाले पॉइंट में अभी बता देता हूँ आपको, ये जो दिखते हैं एल्केन और एल्किन जो दिख रहे हैं ना, एल्किन और एल्काइन, ये दोनों किस में आएंगे, असंतृप्त, किस में आएंगे, असंतृप्त, ठीक है। और जबकि जो एल्केन है किस में आएगा, ये संतृप्त में, कोई दिक्कत है? तो एल्केन संतृप्त में आएगा जबकि एल्किन और एल्काइन असंतृप्त में आएंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो इनको नोट करना है एक एक पॉइंट को, ठीक है, नोटबुक में तैयार करना है, नहीं तो समझ लेना बहुत पिटाई खाओगे, क्लियर। चलिए उसके बाद ये क्या है आपका होमवर्क है, क्या है ये सारे कंप्लीट करने हैं। मतलब एल्केन की जगह एन की जगह क्या लगाओगे, टू लगाओगे, एन की जगह क्या लगाओगे, टू लगाओगे, यहाँ पे प्रोपेन की में क्या लगाओगे, एन की जगह थ्री लगाओगे, ब्यूटेन में फोर क्या लगाओगे, फोर, पेंटेन में फाइव, और हेक्सेन में एन की जगह पर सिक्स लगा दोगे, और आपको हेक्सेन का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आई? तो आपको ये याद नहीं करना है, इस फॉर्मूले के बेस पर ही आप ये जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और आराम से प्रैक्टिस के साथ आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी इजी तरीके से आप बना पाओगे, ठीक है। ओके चलिए कोई नहीं, इसको कंप्लीट करें।